अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो 6.3 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 टू पार्ट 16 तक, और फिर उसके बाद हम इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि पार्ट 9 हमारे पास है कि इंटीग्रल एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 डी एक्स। डन है। अच्छा, इससे पहले तो जो हमने पढ़ा था कि अगर किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसके पावर में ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक्स प्लस 2 है और एक एक्स माइनस 3 है। ना तो एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव एक्स प्लस 2 आएगा और ना तो एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव एक्स माइनस 3 आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास वो जो मेथड था पुराना मेथड, उस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री क्या है, सेम है। जब दोनों में डिग्री सेम हो तो फिर इसे हम डिवाइड करते हैं, या डिवाइड के जो अल्टरनेट है हमारे पास वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। वो देखें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 3 है, तो क्यों ना मैं ऊपर न्यूमरेटर में भी क्या बना लूँ, एक्स माइनस 3। अब एक्स माइनस 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस 3 और प्लस 3 से सब्ट्रैक्ट और ऐड करवाऊँगा, और इस प्लस 2 को हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 3 है, तो हम एक्स माइनस 3 और 3 प्लस 2 5 से हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, और यहाँ पर क्या होगा, 5 3 प्लस 2 5 ओवर एक्स माइनस 3। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, एलसीएम ब्रेक कर दिया है। अब एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 क्या होगा, कैंसिल, क्या बचता हमारे पास 1, और मैंने अलग अलग इंटीग्रल को भी अप्लाई कर दिया है। इस 5 को मैं बाहर लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या बचेगा, 1 ओवर एक्स माइनस 3। ठीक है, अब आप जानते हो कि आपके पास जो 1 का इंटीग्रल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो किसके बराबर होता है, एक्स के, और ये 5 को आप वैसे लिखोगे 1 ओवर एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, जो कि आगे मौजूद है। और चूंकि हमारे पास ये एक्स माइनस 3 डिनोमिनेटर में है और उसकी होल पावर 1 है, जब कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसकी होल पावर 1 हो तो उसका इंटीग्रल हम किस तरह लेते हैं, एल एन फंक्शन। तो हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, और चूंकि एक्स माइनस 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो उसे हम किस तरह लिखेंगे, एल एन एक्स माइनस 3 प्लस सी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पार्ट 10 इसी का है। अब पार्ट 10 में हमने डिनोमिनेटर में लिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो क्यों ना मैं न्यूमिनेटर में भी क्या बना लूँ, 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाया कि 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, हमारे पास 1, सिमिलरली माइनस 2x प्लस एक्स और माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2x स्क्वायर। सबसे पहले 1 को आप वैसे लिखोगे, माइनस 2x प्लस एक्स आपके पास क्या बचता है, माइनस एक्स, और माइनस 2x स्क्वायर आपके पास वैसे लिखाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर अरेंज कर लो कि माइनस एक्स को मैंने पहले लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, 1 माइनस 2x स्क्वायर, और डिनोमीटर में हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या है, इसका हम एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि माइनस एक्स ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर, और 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर। इस माइनस साइन को मैंने बाहर लिखा है। अब यहाँ लिखा बहुत ध्यान से कि 1 माइनस 2x स्क्वायर का जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, माइनस का 4x होगा। ठीक है, चूँकि अब ऊपर हमारे पास x मौजूद है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और इस माइनस साइन को मैं इसके साथ लिख सकता हूँ क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव आपके पास क्या है, वो है माइनस का 4x। ठीक है, अब आपके पास देखा यहाँ पर कि 1 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और इसकी होल पावर जो है वो क्या है, 1 है। तो मैंने आप लोग अभी बताया, अगर होल पावर 1 होगा तो हम क्या करेंगे, इसको एल एन के साथ लिखेंगे, यानी कि 1 ओवर 4 एल एन 1 माइनस 2x स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या होता है, एक्स होता है, और लास्ट में आप क्या लिखोगे, प्लस सी। इस तरह ही आपको क्या बनता है, आंसर। डन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो है इसका पार्ट 11, यानी कि एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। यानी कि सिमिलरली हम क्या करेंगे, पीछे वाला काम कि हमारे पास डिनोमीटर में क्या है, 1 प्लस एक्स है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, और इससे फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक कर देंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, और आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा था क्लास मैट्रिक में कि ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए के,
तो इस तरह हम इसे 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है, तो उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1 ओवर 2, जो इसको आप न्यूमेटर में लेके जाओगे तो उसका साइन चेंज कर दोगे। अब देखो 1 प्लस एक्स का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 होता है जो कि आगे मौजूद है, जैसे आप क्या करोगे 1 ओवर 2 में एक पावर ऐड करोगे और उसी पावर से डिवाइड करवाओगे, सिमिलरली एक पावर ऐड करोगे और उससे क्या करवाओगे डिवाइड करवाओगे, और जब इसका एलसीएम लेते हो 1 अपॉन 2 प्लस 1 का जो क्या बनता है 3 ओवर 2, और नीचे भी क्या बनेगा 3 ओवर 2, सिमिलरली माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 क्या होगा 1 ओवर 2 एलसीएम इसका, और नीचे भी क्या होगा 1 ओवर 2, तो इससे हम लिख सकते हैं 3 ओवर 2 को 2 ओवर 3 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 2 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 ओवर 2 प्लस 3, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है पार्ट 13 है इसका, ये पार्ट 13 क्या है कि 3x प्लस 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब हमें ऊपर क्या बनाना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बनाना है, चूंकि x का कॉफिशियन यहाँ पर क्या है 1 है, जबकि न्यूमेटर में क्या है 3 है, तो हमें 3 कॉमन निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस 3 से सब्ट्रैक्ट और प्लस 3 करवा देंगे अपने पास, जी यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक वो ये है कि यहाँ पर प्लस 2 नहीं लिखा है, तो प्लस 2 को आखिर में लिखोगे, ठीक है, तो प्लस 2 इस तरह से क्या बन जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अच्छा तो मैंने यहाँ पर क्या किया माइनस 3 से माइनस करवाया और साथ साथ प्लस करवाया, इसलिए माइनस करवाया ताकि जब 3 इससे कॉमन निकाले तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाए एक्स माइनस 1, डन। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैंने इसी तरह एलसीएम पिक कर दिया तो 3 इंटीग्रल के बाहर लिखा, और यहाँ क्या हुआ x माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, यहाँ पर आप 3 को काट कर क्या कर दोगे 5, ठीक है। अच्छा अगेन आपको भी बताया कि a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 की होल पावर 1 ओवर 2, और सिमिलरली इस वाले को मैंने क्या किया है वैसे ही लिखा है, जिस यहाँ पर आप क्या कर दोगे 5, ठीक है। देन x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है जो कि आगे मौजूद है, तो सिंपली आप क्या करोगे इसके एक पावर में ऐड करोगे और उसी पावर से डिवाइड, और यहाँ पर भी सिमिलरली आप क्या करोगे उसको एक पावर से ऐड और उसी पावर से आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, और ये 3 आपको क्या बन जाएगा 5, डन है। अब जैसे आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या होता है 3 ओवर 2, और इसका भी एलसीएम क्या होता है 3 ओवर 2, और यहाँ पर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 इसका एलसीएम क्या होता है 1 ओवर 2, यहाँ डिनोमीटर में भी क्या होगा 1 ओवर 2, और ये आपका क्या बन जाएगा जस्ट 5, ठीक है। जब 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास 10, और यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2x माइनस 1 की होल पावर 3 अपॉन 2 और प्लस 10x माइनस 1 की होल पावर 1 ओवर 2 प्लस सी, डन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है पार्ट 12 है। अब ये एक डिफरेंट मेथड है जिसको आपको समझना है कि ना तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 प्लस एक्स होगा और ना तो 4 प्लस एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे किसी एक फंक्शन को अदर वेरिएबल के बराबर लेट कर लेंगे, और किस फंक्शन को आपको लेट करना है जिसकी पावर क्या हो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, यहाँ पर हम जानते हैं 4 प्लस एक्स की पावर क्या बनती है 1 ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ टी किसके बराबर होगा 4 प्लस एक्स के, और यहाँ से डी टी ओवर डी एक्स किसके बराबर होगा 1 के, तो यहाँ से डी टी किसके बराबर है आपका डी एक्स के, ठीक है, चूंकि आप एक्स को टी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप डी एक्स को भी क्या करोगे डी टी में कन्वर्ट करोगे, इसके लिए फिर आप क्या करोगे इसको अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो हम जानते हैं कि टी किसके बराबर है 4 प्लस एक्स के, और यहाँ से आपके पास क्या होगा डी एक्स किसके बराबर है डी टी के, तो आप इससे क्या करोगे अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर बच जा रहा है, तो हम साथ साथ क्या करेंगे जहाँ हमने लेट किया था टी इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स वहाँ से हम एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो एक्स इसके बराबर है आपका टी माइनस 4, चूँकि एक्स इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे टी माइनस 4, और टी माइनस 4 का क्या होता है होल स्क्वायर, इसमें आप फार्मूला ओपन करोगे, तो फार्मूला ओपन करने के बाद अब इस टी की पावर नंबर 2 को हर एक टर्म से अप्लाई करोगे और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी इन दोनों का बेस सेम है तो आप पावर का ऐड करोगे, सिमिलरली ये इससे आगे मल्टीप्लाई करवाओगे और फिर सेम आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, देन आपके पास सिम्प्लीफाई करने के बाद क्या बनता है टी की पावर 5 ओवर 2 डी टी, अब जानते हो टी का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो जैसे आप क्या करो इसके एक पावर में ऐड करो और उसी पावर से डिवाइड करवाओ, बाकी सिमिलर मैंने यही काम किया, ठीक है।
तो आप जानते हो कि जब इसका एलसीएम लोगे 5/2 + 1 का तो क्या होता है 7/2 / 7/2, और आगे भी सिमिलर बिल्कुल यही काम है। इस 7/2 का आप लिख सकते हो 2/7, और टी किसके बराबर था आपका 4 + x के, तो 7/2। सिमिलर ये 2 को आप 16 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या होता है 32/3, और टी किसके बराबर है 4 + x के, ठीक है। आगे सिमिलर आपका यही काम है, ठीक है। नेक्स्ट 515, ये बिल्कुल सिमिलर मेथड है जो हमने लास्ट पढ़ा कि x³ + 1 की होल पावर 7/5 मल्टीप्लाई बाय x^5 dx। आपको भी बताया जिसकी पावर फ्रैक्शन हो गए उसको आप लेट कर लोगे अदर वेरिएबल के बराबर, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया लेट कि टी किसके बराबर है x³ + 1 के, तो यहाँ से dt/dx इसके बराबर होगा 3x² के, और यहाँ से dx को आप अलग कर लोगे यहाँ से तो dx इसके बराबर होगा dt/3x² के, ठीक है। अब आपको क्या करना है अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है इसको, तो हम जानते हैं कि x³ + 1 किसके बराबर है t के, तो 2^7/5, और यहाँ से x^5 dt, और dx इसके बराबर है हमारा dt/3x² के, तो स्क्वायर से जब 5 को आप कैंसिल करोगे तो क्या बचता है आपके पास 3, तो यहाँ से आपके पास जो लास्ट बच जाएगा वो क्या कि 1/3 इंटीग्रल t^7/5 x³, ठीक है। ये हमारे पास x³ बच रहा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं x³ की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये प्लस का 1 सब जाएगा क्या होगा -1, तो आपका x³ इसके बराबर हो जाएगा t+1 के, तो और इस x³ की वैल्यू को आप क्या करोगे सिमिलरली अपने क्वेश्चन में पुट कर दोगे, और फिर इस टी को आप इन दोनों टर्म से क्या करवाओगे मल्टीप्लाई, और जब ये टी इस टी से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम पावर है यानी कि t^7/5 + 1 सिंपली 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई, इन दोनों टर्म पे मैंने क्या किया अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगेन टी का डेरिवेटिव आगे मौजूद है जैसे इसके पावर में ऐड करवाओगे और उसी पावर से आप क्या करवाओगे डिवाइड करवाओगे, सिमिलर आप यहाँ पर यही काम करोगे। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या बनता है 17/5, जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को आप न्यूमरेटर में लिखोगे 17 और 3 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनता है 51। सिमिलर यही काम यहाँ पर करोगे, इस तरह आपका क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपका शायद एमसीक्यू ने पूछ ले, ये इसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। सिंपल आप क्या करो, देखो x²-2x+1 है ना 16 है, तो ये हमारे पास a-b² का फॉर्मूला बन रहा है यानी कि x-1² का, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना, तो x-1² बनेगा तो ये 2 × 4 क्या होता है 8, यानी कि x-1^3, और x-1 का जो डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है वो 1 होता है जो कि आगे मौजूद है। तो जैसे आप क्या करोगे 8/3 में 1 ऐड करवाओगे और उसी 1 से डिवाइड करवाओगे तो क्या बन जाएगा आपका 11/3/11/3, इसको सिम्प्लीफाई करें क्या बनेगा ये 3/11, डन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर है अगर पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम जस्ट क्या करेंगे कि उसका जो आंसर आएगा वो एक्सपोनेंशियली फंक्शन ही आएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि आप जो भी पावर है उसे आप लेट कर लो अदर वेरिएबल के बराबर, जैसे मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि टी किसके बराबर है 3x² + 2 के, और फिर इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनता है dt/dx जो कि इसके बराबर होगा 6x के, और यहाँ से आप क्या करोगे dx को अलग कर लोगे तो किसके बराबर होगा dx बराबर हो जाएगा dt/6x के, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे अपना ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दोगे कि e के, तो आप वैसे ही लिखोगे t किसके बराबर है 3x² + 2 के, और dx इसके बराबर है dt/6x के, ठीक है। तो ये x x क्या होगा आपके पास कैंसिल, अब इस 6 को ये बाहर लिख सकते हो तो यहाँ पर क्या बचेगा जस्ट e^t, और t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है जो कि आगे मौजूद है। तो जस्ट हम क्या करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आएगा, और t हमारा किसके बराबर है t जो हमारा बराबर है वो 3x² + 2 के, लेकिन आखिर में आप क्या करोगे t की वैल्यू को उसमें पुट कर दोगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है पार्ट 4 है कि e^1/u/u² अभी हमने पढ़ा कि e की जो भी पावर होगी उसे आप लेट कर लोगे अदर वेरिएबल के बराबर, तो हमने लेट कर लिया कि t किसके बराबर है 1/u के, u को आप ऊपर लिख सकते हैं u^-1, जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो -1 पहले आएगा यानी -9, और उसमें एक पावर जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा -2, और ये माइनस इस चीज़ को हम लिख सकते हैं -1/u². अब यहाँ से आप क्या करो du को अलग करो, तो यहाँ du किसके बराबर होगा -u² dt के। अब इस दोनों वैल्यूज को आप क्या करो अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या बनेगा e की पावर t
डिनोमेटर में क्या है, यू स्क्वायर है, और आपका डी यू किसके बराबर है, माइनस यू स्क्वायर डी टी के। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर आपका क्या होगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा, माइनस इंटीग्रल ए की पावर टी डी टी। और आप जानते हो कि अगर पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर वैसे ही हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो क्या बनेगा, माइनस ई की पावर टी प्लस सी डिवाइड, और टी की वैल्यू क्या है, वन ओवर यू। इस तरह आपका क्या बनता है, आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, इसका पार्ट फाइव, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ई की पावर टू एक्स क्यू प्लस थ्री। अभी आपको बताया गया जो भी पावर है उस पावर को आप लेट कर लोगे तो टी किसके बराबर होगा, टू एक्स क्यू प्लस थ्री के। इसका आप डेरिवेटिव लोगे तो डी टी ओवर डी एक्स इसके बराबर होगा सिक्स एक्स स्क्वायर के। यहाँ से आप डी एक्स को अलग कर लोगे तो क्या बनता है, डी टी डिवाइड बाई सिक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करोगे, अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर तो आप वैसे लिखोगे e की पावर t हो जाएगा, आपका dx एक्स इसके बराबर है dt टी ओवर फोर एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा आपका, कैंसिल, जस्ट क्या बच जाएगा e की पावर t, और इस e की पावर t को हम ऊपर लिख सकते हैं तो क्या करेंगे, जस्ट माइनस साइन लगा देंगे। अगेन अब आप जानते हो कि इस e की पावर माइनस टी, इस माइनस टी का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा आपके पास कि माइनस वन होगा, तो इसके लिए आपको माइनस साइन चाहिए, तो आप माइनस साइन यहाँ भी लिखोगे और एक माइनस साइन आप यहाँ भी लिखोगे। ठीक है, अब पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो जैसे आप क्या करोगे, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली होगा, और चूंकि इसका आंसर क्या है, e की पावर माइनस टी, तो इस माइनस टी को हम लिख सकते हैं कि डिनोमेटर में e की पावर टी, और टी आपका किसके बराबर है, टू एक्स क्यू प्लस थ्री के। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल था, इसमें हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे कि ये e नहीं है आपके पास, कोई भी कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट की पावर क्या है, टू आई है। रूल क्या कहता है, फार्मूला अप्लाई करने के लिए पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, तो टू आई का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होता है, वन ओवर टू होता है, इसलिए आपके पास मैंने क्या किया, टू से डिवाइड करवाया है, और साथ साथ आप टू से मल्टीप्लाई भी करवाओगे, तो अब इसको देखो फार्मूला क्या कहता है, अगर ए की पावर कोई भी पावर है तो आप क्या करो, उस फंक्शन को वैसे लिखो और डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट कर दो एलएन के साथ, तो ए की पावर टू आई है तो ए की पावर टू आई हमने वैसे लिखा और डिवाइड बाय एलएन ए, और ये वन अपॉइंट टू वैसे ही आएगा। इस तरह ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए, कि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका इंटीग्रल किस तरह लेंगे, तो जैसे आप देखो बहुत ध्यान से, अगर इस फैक्टर को ये तो पूरा का पूरा फैक्टर कि आपका ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कॉन्स्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल के बाहर निकाल लेते हैं। जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर x, और e की पावर x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है। इस तरह ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।